दोस्तों, काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद ऑनर ने एक बार फिर से अपने एक और स्मार्टफोन के लिए नया अपडेट रिलीज़ किया है और इस बार फ़ोन का नाम है ऑनर 10 लाइट। जी हाँ दोस्तों, ऑनर 10 लाइट के लिए एक नई अपडेट रिलीज़ की गई है। 663 MB की अपडेट है और क्या कुछ है इस अपडेट में, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और ये भी आपको बताएंगे कि क्या ये अपडेट आपको करना चाहिए या फिर नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाले घंटी को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं कि ऑनर 10 लाइट के लिए आखिरकार वो कौन सी अपडेट आई है और क्या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं और क्या ये अपडेट आपको करना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पर नज़र डालते हैं अपडेट के वर्ज़न की। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10.0.0.210, यहाँ पे EMUI 10 पर बेस्ड 210 वर्जन है। आप देख सकते हैं इंडियन वेरिएंट के लिए रिलीज़ किया गया है। और अगर यहाँ पर हम चेंज लॉग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मिल जाती है लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट जो कि जुलाई महीने की है। दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अगस्त में ये अपडेट दी जा रही है तो अगस्त की सिक्योरिटी पैच मिलनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 14 जुलाई को ही फर्मवेयर फाइंडर पर यह अपडेट आ गई थी और अपडेट जो है आपको अगस्त में दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब जुलाई में फर्मवेयर फाइंडर पर रिलीज हो गई थी तो जुलाई के ही सिक्योरिटी पैच होंगे। तो ओवरऑल जुलाई के सिक्योरिटी पैच के साथ साथ हुआवे असिस्टेंट ऐड किया गया है और इसके अलावा कुछ भी आपको यहां पर देखने को नहीं मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पर डिटेल्स में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सिक्योरिटी पैच ही देनी थी तो वो तो 100 से 150 MB के अंदर ही आ जाती है, लेकिन 600 MB की अपडेट देने के पीछे कहीं ना कहीं ये वजह भी हो सकती है कि आपके फ़ोन में सिस्टम इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो अगर ये अपडेट आपको मिल चुकी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा है आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस अभी इस अपडेट के बाद। और अगर अपडेट नहीं मिली है तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, हो सकता है आपको आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर मिल जाए बैचेज वाइज अपडेट रिलीज होने की वजह से। तो ओवरऑल ये थी ऑनर 10 लाइट यूजर्स के लिए एक नई अपडेट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई और फोन से रिलेटेड अगर आप अपडेट चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। थैंक यू।